नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं अशोक वर्मा। आपसे निवेदन है कि जो भी श्रमिक चोरी छिपे आ रहे हैं उनकी सूचना आप प्रशासन को उपलब्ध कराएं। यह आपका फर्ज नहीं कर्तव्य है। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर कानपुर देहात से है, जहां लॉकडाउन के दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जुआ खेलते 17 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से ताश की गड्डी, 98,850 रुपये और 11 मोबाइल बरामद कर जुआरियों को जेल भेज दिया है। तो वही गिरफ्तार किए गए सभी जुआरियों को जुआ खेलने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीओ भोगनीपुर और SHO भोगनीपुर के निर्देशन में ये एक अच्छी गुडवर्क हुआ है, जिसमें कि पुखराया कस्बे में कोई राज पैलेस है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। उसकी सूचना इन लोगों को मिली और इन्होंने मौके पर जाकर दबिश दी और वहाँ पर मौके से 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी संख्या में कैश की बरामदगी की है। और अब उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको आगे विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज वहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों को रहे कि अगर कोई इस प्रकार से जुआ खेलने का प्रयास करेगा तो पुलिस उनके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और आगे भी इस चीज़ की ऐसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। सर, इस बड़ी कामयाबी के लिए सर भोगनीपुर पुलिस के लिए कुछ सोचना? बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से करवाई जाएगी। इससे बड़ा और कोई शाबाशी नहीं हो सकती। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए जिसको अपेक्षा की जाती है और ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं।